पसंद हो सां कर कहने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक रियाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कार के शाहकार। आज का रिव्यू है बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास किस्म की गाड़ी का, अपने दौर की बल्कि आज के दौर की भी बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। 1985 मॉडल है डैटसन Y120। तो मुकम्मल रिव्यू देने लगा हूँ। जो लोग इस गाड़ी को देखने के शौकीन है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने हमसे डिमांड की हुई है इस गाड़ी की, तो वीडियो आपके लिए आ रही है, वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, और बेल आइकन को जब आप प्रेस करते हैं तो मेरी इसी तरह के वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये है डैटसन Y120 1985 का शाहकार। देख रहे हैं आप, सबसे पहले इसकी फ्रंट लुक देखिए, बहुत ही मजबूत होती है, और इसका ये जो बम्पर होता है स्टील का बना होता है, क्रोम का होता है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। आउटसाइड कलर की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली शावर्ड है, इसका जेन्युइन कलर नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 1985 मॉडल की गाड़ी है और इसमें कहीं कहीं आपको हल्के फुल्के डेंट भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इसकी जो मजबूती है और पायदारी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। अगर हम इसके टायर्स की कंडीशंस की बात करें तो टायर्स की कंडीशन बेहतर है, काफी ज्यादा बेहतर है, 2.4D। इससे मुराद ये होती है कि इसके अंदर जो इंजन जेन्युइन इंजन आता था वो 2.4 डीजल में आता था। अब मैंने आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाना है। जैसे ही हम डैटसन Y120 1985 मॉडल की गाड़ी के रिव्यू की तरफ जाते हैं और उसके इंटीरियर के रिव्यू की तरफ जाते हैं, सबसे पहली नज़र आपकी इसके डोर के ऊपर पड़ती है। कहीं कहीं पे आपको डोर का कलर उखड़ा हुआ नज़र आता है, और इतना ज़्यादा साफ सुथरा भी इसका डोर नहीं है। मैं आपको मज़ीद दिखाता चलूँ कि यहाँ पर अगर हम कैमरा लेकर आते हैं तो आपको इसका जंग उखड़ा हुआ कहीं पे भी नज़र नहीं आता, रंग उखड़ा हुआ नज़र नहीं आता और जंग भी नज़र नहीं आता, कोई इसका पार्ट आपको डैमेज नज़र नहीं आता। यहाँ से इसकी लुक जो है ना वो कुछ इसी तरह से दिखाई दे रही है कि साफ सुथरा इसका डैशबोर्ड दिखाई देता है। लेकिन अब मैं कैमरा करीब करके लेके आ रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ इसके डिफरेंट गेजेस, जैसे कि रेस है, ब्रेक है और क्लच है, वो स्मूथली वर्क कर रहे हैं। मैं आपके सामने उसको प्रेस भी कर रहा हूँ, और अगर हम इसके ये जो गियर है इसके लीवर की बात करें तो ये स्मूथली हो रहा है जी, एक्सचेंज हो रहा है, और इसकी जो हैंड ब्रेक होती है थोड़ी सी सख्त होती है। डैशबोर्ड 1985 मॉडल की जो डैटसन होती है आपके सामने है, और ये जेन्युइन डैशबोर्ड है, कहीं कहीं पे आपको टूट फूट नजर आती है। ग्लव्स बॉक्स के अंदर सामान आप कैरी कर सकते हैं, और इन्होंने इसके ऊपर ये पर्दा भी लगाया हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ पर्दे को रिमूव करके आपकी आपको इसकी जेन्युइन कंडीशन दिखा सकूँ। लेकिन जो इसका जो डैशबोर्ड है ये ज़रा बेहतर कंडीशंस के अंदर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशंस के अंदर नहीं है। मैट्स लगे हुए हैं इसके, और साइड पे ये जो इसका डोर है पैसेंजर साइड वाला वो भी बेहतर कंडीशंस के अंदर है। तारें कहीं कहीं से आपको वायरिंग की उखड़ी हुई नज़र आती हैं। डैटसन का आपको ये देखें स्टीयरिंग व्हील देख लीजिएगा, और यहाँ पर मैं वापस बाहर आया हूँ गाड़ी से और आपको दिखा रहा हूँ इसका छत भी, कि छत की कंडीशंस आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अंदर से जो इस गाड़ी का छत है वो किस तरह से है। अब ये देखें साइड मिरर, और साइड मिरर के साथ साथ ये जो क्रोम की आपको पट्टी नज़र आती है ये इस गाड़ी की खूबसूरती के अंदर भी इजाफा करती है और इसकी मजबूती के अंदर भी इजाफा करती है। अब हम इस गाड़ी की बैक साइड वाली सीटें चेक कर लेते हैं और लेग स्पेस का भी अंदाजा करते हैं। पैसेंजर साइड वाले डोर को डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपको इसकी एक एक पार्ट्स के हवाले से पता चल सके, और दूसरा ये है कि इसकी सीटें जो है ना, सीटों को आपको एक तो लेग स्पेस थोड़ा सा मिलता है लेकिन इतना ज़्यादा लेग स्पेस इसमें नहीं मिलता, शायद ये सीट भी थोड़ी सी पीछे है। अगर पीछे ना भी हो तो फिर भी लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा इसमें मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। छत का अंदर वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, मतलब कहीं से भी आपको कोई डैमेज नज़र नहीं आता। जब इस तरह की पुरानी गाड़ी में आपको डैमेज नहीं नज़र आ रहा होता तो हम कहते हैं कि ये अच्छी कंडीशंस के अंदर है। और यहाँ पर एक लाइट मुझे नज़र आई है, और ये लाइट चलती भी है, और इसका कलर देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस लाइट का कलर है। यहाँ से आप इसके शीशों को ऊपर नीचे कर सकते हैं मैनुअली, और ये ज़रा हो रहे हैं लेकिन ज़रा ताकत लगानी पड़ती है। ये हुक है, यहाँ से आप इसके डोर को खोल सकते हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी पॉकेट नज़र आती है, आपको लगता है कि सिगरेट के जो गोल बह रहे हैं वो लगाने के लिए यहाँ पर रखने के लिए। साइडों पे कलर भी इसका दोबारा से फिर किया गया, मतलब पेंट इसको शायद काफ़ी दफ़ा बाद में भी किया गया।
इसलिए इसका पेंट जेन्युइन नहीं है। मैंने आपको इस गाड़ी के बैक साइड से ये देखें, इसकी जो बैक साइड वाली स्क्रीन है और इसके ऊपर लगी हुई क्रोम की पट्टी दिखा रहा हूँ, और ये क्रोम की पट्टी इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जो लोग इस गाड़ी को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसकी डिमांडिंग प्राइस काफ़ी मुनासिब है। बैक से आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कलर उखड़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन इसका बैक साइड वाला बम्पर एज इट इज़ उसी तरह का है, मजबूत है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी लाहौर के नंबर पर मौजूद है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लाहौर का है। और इस गाड़ी के अंदर मैं भी आपको इंजन के हवाले से भी डिस्कस करता चलूँगा कि इंजन में आपको दिखाने लगा हूँ कि इस गाड़ी के अंदर जो डैटसन Y120 1985 मॉडल की ये जो गाड़ी है, इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो 1987 मॉडल की डैटसन का ही लगा हुआ है, और वो Y120 डैटसन का है, लेकिन है 1987 मॉडल की गाड़ी का इंजन, और ये जेन्युइन इंजन है, लेकिन इसका अपना ज़ाती इंजन नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इस गाड़ी के प्राइस के हवाले से डिस्कस करें तो इसकी 3.5 लाख रुपया इसकी प्राइस डिमांड कर रहे हैं। स्मार्ट कार्ड इसका अवेलेबल है, टोकन इसके जो है ना लाइफ टाइम हुई है, उसका आपको प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी अवेलेबल है सेल के लिए। अगर आप इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर आप रब्ता कीजिएगा, आपको मज़ीद डिटेल मिल जाएगी, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल सकती है, वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बोनट का इनर साइड भी दिखा रहा हूँ, मैंने कोशिश किया कि सारी की सारी मालूमात आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकूं। आपके जहन में अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स में। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो मेरा इसी तरह का कॉन्टेंट जो इंटीक और ज़बरदस्त किस्म की पुरानी गाड़ियों के हवाले से होता है वो सबसे पहले मिलता है आपको। आपके लिए मैं मज़ीद ज़बरदस्त किस्म की इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही मालूमती जो गाड़ियों के हवाले से और स्पेशली पुरानी गाड़ियों के हवाले से होंगी वो आपको जरूर मिलती रहेंगी। बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।